नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज़। में हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत प्रशासनिक अधिकारी सारे कामों को बड़ी गहनता के साथ करने में लगे हैं। ऐसे में उनके सामने बड़ी चुनौती के रूप में चुनाव बहिष्कार जैसे मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला विदिशा जिले की तहसील सिरोंज के वार्ड क्रमांक 20 स्थित मंशापुरन कॉलोनी का है, जहाँ कॉलोनी वासियों ने हाथ में बैनर लेकर नारे लगाते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं पर अपनी मंशा जाहिर कर दी। कहा, जब तक मंशापुरन कॉलोनी की रोड नहीं तब तक हम वोट नहीं करेंगे। बताते चले कि मंशापुरन कॉलोनी वासियों को रोड नहीं होने के कारण बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस से अगर कोई मरीज ले जाना हो तो बड़ी परेशानी होती है, जबकि मंशापुरन कॉलोनी मुख्य मार्ग से लगी होने के बाद भी कॉलोनी की तस्वीर नहीं बदली है। कॉलोनी वासियों ने इस बार चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए सोमवार को प्रदर्शन किया। समाजसेवी ने मंशापुरन कॉलोनी में रोड नहीं बनने पर भ्रष्टाचार की आशंका जाहिर की है। रोड नहीं तो वोट नहीं। मेरा नाम मनमोहन दुबे है, मैं स्थानीय समाज सेवी हूँ। आपके द्वारा आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था? हमारे मंशापुरन कॉलोनी के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हमारे जो कॉलोनी में चार रोड स्वीकृत हुए थे उनमें से एक रोड का निर्माण नहीं हुआ है और आधा सामान उठाकर ले गए थे, तो हमें अंदेशा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और हमने फैसला किया है, कम से कम 3 साल हो चुके हैं हमारे रोड को, तो 3 साल में अभी तक हमारा जो रोड अधूरा पड़ा है, मतलब एक गली का, वो नहीं बना है, तो हमें भ्रष्टाचार का अंदेशा है कि भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमने फैसला किया मोहल्ला वालों ने मिलके कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसका मतलब ये है, जब आप हमें रोड का निर्माण हमारा हो जाएगा तभी हम मंशापुरन कॉलोनी वासी वोट देंगे, नहीं तो हम इसका बहिष्कार करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे और इसके अलावा ना सफाई नाली की हो रही हैं, दीवारों पर नंबर लग गए नगरपालिका कर्मचारी जो भी हैं, जब हम फ़ोन लगाते हैं समस्याओं के लिए फ़ोन नहीं उठाते। मैं कहना चाहता हूं, और कचरा देखो आप पास में, जब अभी आपके वर्तमान पार्षद कौन है? वर्तमान पार्षद हमारा गोलू वो कमलाबाई अहरवार थी। कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से थी। आपने कभी उन्हें आवेदन नहीं दिए, उनसे आपने अनुरोध नहीं किया? अनुरोध किया था, और उसके बाद हमने नगर पालिका में भी आवेदन दे चुके। साहब, अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा है तो अधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है। जो और अधिकारी, जब मैंने मौखिक रूप से निवेदन किया तो अधिकारी क्या बोलते हैं कि आपकी कॉलोनी अवैध है। जब अवैध कॉलोनी है तो हमें लाइट क्यों दी, बिजली कनेक्शन क्यों दिया, नल कनेक्शन क्यों दिया, हमसे टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? कॉलोनी को बसे हुए कितना टाइम हो गया? कॉलोनी कम से कम 1998 में बसाई गई है ये कॉलोनी। कॉलोनी में कुल कितने मकान हैं? कॉलोनी में कम से कम तो 200 मकान के आसपास हैं। तो आपको ये जो भ्रष्टाचार की आशंका है, तो इसके परिणाम में आप क्या चाहेंगे? सिरोंज से निजाम खान की रिपोर्ट। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।